अक्सर कोर्ट रूम्स में लॉयर्स और जजेस के बीच में क्लैशेस काफी आम बात हैं। ऐसे ही कई बार उन्हीं लॉयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर और अगेंस्ट में भी बोलते हुए देखा जाता है। अब क्योंकि हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और उनकी रिटायरमेंट में 5 वर्किंग डेज से भी कम का समय बचा है, ऐसे में उनकी रिटायरमेंट काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। आपको ये तो पता ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड के टेन्योर में कुछ इश्यूज को लेकर कई बार हैवी डिबेट्स भी हुए हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर और डिस्प्यूटेड टॉपिक है कोलेजियम सिस्टम का। उनके टेन्योर के दौरान कितने नामों को या तो रिकमेंड नहीं किया गया या फिर रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के डिले के कारण अपॉइंट नहीं किया गया। यहाँ तक कि कुछ जजेस तो अपने एलिवेशन का वेट करते करते रिटायर भी हो गए। केरला के एडवोकेट जनरल गोपाल कृष्ण कुरुप ने रिसेंट स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो केरला हाईकोर्ट में 5 न्यायाधीशों के लिए हुई थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज किए हैं जो काफी सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल है। कुरुप ने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की रिकमेंडेशंस को इग्नोर करने और डिले करने का आरोप लगाया है, जो बिल्कुल सीधा इंटरफेरेंस का केस है। आइए इस मुद्दे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि क्यों कोलेजियम सिस्टम फिर से एक बार आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लास्ट डेज में उभर कर बाहर आ रहा है। कुरुप ने कहा, जो केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस की तरफ इशारा करता है, जस्टिस PP कृष्णा कुमार वुड हैव बीन स्वर्न इन अ ईयर अर्लियर On 25/10/2023, had it not been for the much criticized executive interference with the collegium's decision. कुरुप का यह बयान तब आया जब जुडिशियल ऑफिसर PP कृष्णा कुमार को हाईकोर्ट जज के तौर पर शपथ दिलाई गई थी, जो पिछले एक साल से लंबे वेट के बाद हुई। आपको बता दूं कि ये सिर्फ कुमार का केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और सरकार के बीच के टाइज को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये सिस्टम अक्सर सरकार और जुडिशरी के बीच एक कंफ्लिक्ट का टॉपिक बन जाता है। गोपाल कृष्ण कुरुप ने कहा है, दो अ क्लीशे आई मे से बेटर लेट देन नेवर, एज वी हैव मेनी इंस्टांसेस वेयर रिट्रिएटेड रिकमेंडेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स रिमेन स्टॉल्ड एट द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स लेवल विदाउट वैलिड जस्टिफिकेशन। सपोर्टर्स का कहना है कि यहाँ AG ने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है, क्योंकि अगर रिकमेंडेशंस पर बिना किसी वैलिड रीजन के डिले होता रहेगा तो जुडिशी का काम आसान नहीं होगा। इस डिले से ना सिर्फ सिस्टम इनएफिशिएंट बनता है, बल्कि जुडिशी और एग्जीक्यूटिव के बीच का ट्रस्ट भी डैमेज होता है। इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस डिबेट में एक नया एंगल ऐड किया है, जब उन्होंने अरुण जेटली के व्यूज को शेयर किया और NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का जिक्र किया। जेटली, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट थे, हमेशा NJAC को सपोर्ट करते थे और उनका ये कहना था कि NJAC जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ एक नया बैलेंस क्रिएट कर सकता है। लूथरा ने कहा, जेटलीज ओनली रिग्रेट इज दैट द NJAC, अ रिफॉर्म ही होल हार्टेडली सपोर्टेड एंड विच ही बिलीव वुड रिवाइव एंड सपोर्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वॉज स्क्रैप्ड इन द बिलीफ दैट इट वॉज एन अटेम्प्ट टू कर्टेल जुडिशियल इंडिपेंडेंस। लूथरा का ये बयान काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि NJAC सिस्टम में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को मिलकर जजेस की अपॉइंटमेंट के डिसीजंस लेने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इस डिबेट में लूथरा का ये कहना था कि कोलेजियम सिस्टम अपने पर्पस को पूरा कर चुका है और अब एक ऐसा रिफॉर्म लाने की जरूरत है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सके। अगर हम बात करें करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, तो उन्होंने भी इस डिस्कशन में अपना एक बैलेंस पर्सपेक्टिव दिया है। उनका कहना है कि एक रोबस्ट डायलॉग होना जरूरी है दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच। उन्होंने बताया कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच मीटिंग्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशल पर्पसेस के लिए होती है और जुडिशियल काम में कोई दखल नहीं होती। CJDY चंद्रचूड़ ने कहा है, अ चीफ मिनिस्टर नेवर डिस्कस्ड अ पेंडिंग केस विद द चीफ जस्टिस बिकॉज इट ऑपरेटेड इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेयर। CJI का कहना है कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच ये मीटिंग्स नॉर्मल है और ये परसेप्शन की डील मेकिंग हो रही है बिल्कुल गलत है। ये बात इंस्टीट्यूशंस के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप का प्रदर्शन करती है, जो डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ये डिबेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी का काम सिर्फ केसेस को डिसाइड करना नहीं, बल्कि सोसाइटी में एक ट्रस्ट और फेथ मेंटेन करना भी है। ये इंटरफेरेंस, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या किसी और का, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को चैलेंज करता है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अनएक्सेप्टेबल है। यशवंत शिनॉय, प्रेसिडेंट ऑफ केरला हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, ने भी ये पॉइंट रेज किया है और कहा है, नथिंग कैन बी मोर डीमोरलाइजिंग देन राइटिंग इनडेफिनेटली फॉर एन अपॉइंटमेंट वारंट आफ्टर द कोलेजियम हैज रिकमेंडेड द नेम। वी टुक द मैटर अप विद द लॉ मिनिस्टर एंड वी आर ग्लैड ही रिस्पॉन्डेड टू द बार्स कंसर्न। इस डिले से सिर्फ जुडिशरी पे असर नहीं पड़ता, बल्कि उन कैंडिडेट्स के लिए भी मुश्किल होता है जो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। ये डिले जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है और सिस्टम को अंडर कॉन्फिडेंस में डालता है। सीनियर एडवोकेट लूथरा ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, जब उन्होंने कहा कि लिमिटेड टेन्योर होने की वजह से सीनियर जजेस के बीच एक अनकॉन्शियस कॉम्पिटिशन बन गया है, जो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो कोलेजियम सिस्टम की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। लूथरा का कहना है
कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन दोनों एक कॉइन के दो पहलू है और जुडिशी को ये डिसाइड करना चाहिए कि एक्टिविज्म और रिस्ट्रेन कैसे और कब इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ही सेड टू लिटिल एक्टिविज्म मींस अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नोशंस ऑफ गुड गवर्नेंस राइट्स एंड जस्टिस, टू मच एक्टिविज्म मींस ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज आइडियल्स। इसका मतलब है कि जुडिशरी का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना नहीं बल्कि उसका एक बैलेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी है जो हर सिटीजन के राइट्स को सेफगार्ड करता है। गोपाल कृष्ण कुरुप और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड के पॉइंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एक बैलेंस्ड अप्रोच और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करना चाहिए। ये भी जरूरी है कि जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव के बिना किसी अंडियो इंटरफेरेंस के हो। लेकिन इस एंटायर डिबेट का एक कोर पॉइंट ये है कि क्या कोलेजियम सिस्टम अब ऑब्सोलीट हो चुका है। जेटली और लूथरा का पर्सपेक्टिव से लगता है कि जुडिशरी का एक नए और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जरूरत है जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के बीच एक हेल्दी बैलेंस बना सके और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कर सके। इस मुद्दे पर डिस्कशन कंटिन्यू होता रहेगा और ये डेमोक्रेसी के लिए एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है। एक तरफ कोलेजियम सिस्टम जुडिशरी के ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करता है तो दूसरी तरफ NJAC एक सॉल्यूशन है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ला सकता है। इसके बिना एक मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की कल्पना मुश्किल है जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रेलेवेंट हो और जो डेमोक्रेसी के साथ अलाइंड हो। ये मुद्दा अब भी ऑनगोइंग है और आगे चलकर क्या नया रिफॉर्म आता है और किस तरह से ये कोलेजियम सिस्टम और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के फ्यूचर को इफेक्ट करेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो शेयर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक एंड कीप फॉलोइंग लॉजिक्राफ फॉर मोर। यू नो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई हैव टू टेक द सिस्टम एज इट इज गिवन टू अस टुडे व्हिच इज दैट द कोलेजियम सिस्टम इज द प्रिवेलेंट सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग जजेस। Yes, there have been demands for greater transparency, but I must tell you how we work. For instance, if we are making appointments to the Supreme Court of India, the Chief Justice and the four senior most judges, I have actually five because my successor, Chief Justice of India, was not otherwise a part of the collegium, so mine is a collegium of six judges. We look at the judgments which have been delivered, say, in the last 3 years by the judges of the High Court. And the parameters which we apply for the selection of judges are well defined. First, we look at merit. We look at the professional competence of the judge. We constantly analyze judgments of the High Court judges when they come up in appeal before us. On an average, we are dealing with about 200 cases every week. So those are judgments of the High Courts which are coming up before us, so we assess those judgments. But in the collegium, we all read the same judgments at the same time. So we circulate the judgments of the High Court judges who are in the zone of consideration. Apart from merit, the second important consideration which we go by is seniority. Because after all, this is a service. It's a service. Judges of the High Court are elevated to the Supreme Court.